औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे डिसेंट फैंसी पोल्ट्री चैनल के व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसीलिए आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि फैंसी मुर्गियों के मतलब बहुत सी वीडियोस आपको आपके लिए आती रहती हैं, और फैंसी मुर्गियों के चूज़े भी आप लोगों के लिए अच्छे रेट में इंशाल्लाह दस्तयाब होंगे। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैंने चूज़े फॉर सेल लगाए थे, वो हमारा हैच निकला था, और हैच कम्प्लीट होने के बाद आज हमने ये हैच लगाने लगे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इंक्यूबेटर हमने ऑन कर लिया हुआ है, तो हम इंशाल्लाह ये एग्स लगाएंगे, जो आप दोस्तों के लिए इंशाल्लाह 21 दिन बाद फॉर सेल चिक्स अवेलेबल होंगे। दोस्तों ये अंडों में तकरीबन 3-4 वैरायटीज़ हैं जो आप दोस्तों के लिए फॉर सेल अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब ये अपडेट लगे चैनल पर आप दोस्तों को आगाही मिल सके। दोस्तों इन अंडों में ब्लैक बैंटम के एग्स हैं, ब्लू बैंटम के एग्स हैं, वाइट बैंटम हैं, गोल्डन बैंटम हैं, वाइट हैवी बफ हैं, आस्ट्रालोप हैं और आरआईआर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंशाल्लाह मैं अंडे प्लेस करता हूँ इंक्यूबेटर में, और मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ और इंक्यूबेटर के बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात भी फराहम करूँगा। जी तो दोस्तों, ये मैंने इंक्यूबेटर तकरीबन दोपहर से चलाया हुआ है, और रात के करीब टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बज रहे हैं, तो अफ्तारी के बाद के प्रोग्राम बनाया हुआ था मैंने एग्स। ये पार्सल मेरा एक आने वाला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहुंचा है, तो ये मैं आप दोस्तों को दिखाऊं। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी ह्यूमिडिटी बनी हुई है अंदर, 82, लेकिन इसे हमने कम करना है क्योंकि फ़र्स्ट डेज होंगे। ये मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, ये मैंने प्लेट नीचे रख दी हुई है ह्यूमिडिटी के लिए, तो कुछ ये अंडे रखेंगे अंदर तो ह्यूमिडिटी खुद ही भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अंडे रखता हूँ, तो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ फिर। जी तो दोस्तों, फाइनली हमने इसमें अंडे प्लेस कर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया क्योंकि काफ़ी देर खुला रहा है इनक्यूबेटर, अंदर अंडे हमने प्लेस किए हैं। तो ये यार आपने, ये मैंने आपको बताना था, ये ना आपने वेंटिलेशन के लिए लाजमी सुराख रखने अपने इनक्यूबेटर में, ताकि अंदर ऑक्सीजन जा सके और फ्रेश एयर अंदर होगी ना, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ये लें दोस्तों, ये आप दोस्त देखें, ये हमने अंडे माशाल्लाह प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह है जब निकलेगा तो हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।